कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है यार, कितना सुंदर लग रहा है यार, ये कितनी ज्यादा सुंदर है, कितनी खूबसूरत है भाई। हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज की वीडियो है चिकनकारी कुर्ते के ऊपर। सच्ची बताऊँ, मेरे को ना हमेशा से इतना ज्यादा मन है ना चिकनकारी कुर्ते लेने का या सूट लेने का और पहनने का, बट मैंने आज से कभी लिए ही नहीं, क्योंकि ना मुझे सच्ची में वो थोड़े महंगे लगते हैं। ऐसा नहीं बोल रही कि वो महंगे नहीं है, जो भी, क्योंकि हैंडमेड होते हैं वो शायद, तो चलो ठीक है यार, होने चाहिए इतना फिर, बट इस चक्कर में मैंने कभी खरीदे नहीं सच्ची बताऊं तो। बट मीशो पे मैंने ना आजकल बहुत देखा है कि चिकनकारी कुर्ते चल रहे हैं कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से, और मैंने सुना इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। डिज़ाइन तो मैंने देखे थे, डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छे थे, बट क्वालिटी का ही था मुझे कि क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पता नहीं। तो बस मैंने मीशो से इसलिए कुछ कुर्ते ले लिए, चिकनकारी कुर्ते ले लिए। तो बस देर किस बात की, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ना यार, सबसे पहले तो ये वाला है, और मैंने शायद सब में एस साइज ही मंगवाया है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मैंने सुना है चिकनकारी जो कुर्ते होते हैं वो ऑलरेडी ना काफ़ी बड़े ही होते हैं साइज में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है कि एस, वैसे तो मुझे टाइट ही आता है कि वह टाइट ना आ जाए, मैंने बस चक्कर में मंगवा लिए। साथ में इनर भी लगे हैं, ये रही उसकी इनर और ये रहा कुर्ता लेग सी। इसकी लाइनिंग खोल लेती हूँ, लाइनिंग कह रही हूँ, इनर खोल लेती हूँ। इसकी इनर खुद ही ट्रांसपेरेंट है, क्या ट्रांसपेरेंट का काम करेगी, बट उसकी जो लाइनिंग है ये कुछ ऐसी सी दिखाई देती, कॉटन है, दिस इज कॉटन। और जो कुर्ती है, ओ माय गॉड, इट लुक्स सो नाइस, काम भी बहुत अच्छे से हो रखा है, ऐसा कुछ धागा वागा निकल नहीं रहा है, कुछ ऐसी सी दिखाई देती है, आई तो लाइक इट। स्मेल इसमें से डिटॉल सी आ रही है, चलो मैं जल्दी से इसको पहन के आती हूँ। ऐसी सी दिखाई दे रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने एस साइज मंगवाया, देखो वैसे तो बिल्कुल भी टाइट फील नहीं हो रहा, कहीं वैसे वैसे लाइनें भी नहीं बन रही है, एकदम जैसे मेरा ही साइज है, एकदम परफेक्ट है, पीछे से भी एकदम परफेक्ट है। बट मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि चिकनकारी जो कुर्ती होती है ना वो थोड़ी खुली ज़्यादा अच्छी लगती है, आई डोंट नो वाई, ऐसी सी है, बाकी आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगी। हाय, मुझे लग रहा है मेरी चूड़ियों ने मेरा कुर्ता फाड़ देना, देखो चूड़ियों ने यार धागा ऐसे कर दिया, ये नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को शायद बड़ा ही साइज लेना चाहिए था, एक वो खुली खुली वाली जो फीलिंग आती है ना कुर्तों में वो कुछ ज्यादा अच्छी लगती है, ये सबको लेनी चाहिए मुझे लगता है, मतलब वाइट जो है ना मुझे लगता है कि होना ही चाहिए, एकदम बेसिक कलर है, क्वालिटी वाइज मुझे तो अच्छी लग रही है, जॉर्जेट है ये, और पूरे में लिटरली पूरे में काम हो रखा है, और पीछे भी थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह दे रखा है, बाजू पे भी डिज़ाइन वगैरह दे रखा है, पास से कुछ ऐसी सी दिखाई देती है, और मैं इसमें बहुत सुंदर सुंदर फील कर रही हूँ। तो इसका जो भी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो कुछ ऐसा है, मैं इसको दूंगी 10 में से 9 इसलिए क्योंकि मेरी गलती थी, इसलिए मेरी गलती के लिए मैं 9 कर रही हूँ इसको, कि मुझे शायद M लेना चाहिए था, पता नहीं यार, बिल्कुल भी वो होते ना ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा टाइटेड, बट अंदर से ये निकल रहा है कि काश थोड़ा सा बड़ा साइज होता, बट बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं पड़ जाता फिर, है ना, बट ठीक है। मैं एकदम याद आया कि ना सारा अली खान ने भी ना अपनी पोस्ट में ऐसी व्हाइट कलर की चिकन की कुर्ती पहनी हुई थी, एक लॉन्ग चिकन की कुर्ती पहनी हुई थी, मेरे पास सेम कुर्ती तो नहीं है बट व्हाइट कलर की चिकन की कुर्ती तो है, तो एक बार मैं उनका लुक क्यों ना रिक्रिएट करके देख लूँ। तो उनने ना एक जयपुरी दुपट्टा भी लिया हुआ था, ऐसा ही कुछ सिमिलर सा उसका शेड था। तो अगर मैं आउटफिट की बात करूँ तो मेरा आउटफिट तो सेम टू सेम हो ही गया है, वो भी ईजी, बहुत इजीली अचीव हो गया ये आउटफिट। बट मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसका लुक कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसके पास उसका बैग ना हो, क्योंकि मेरे को आदत है अपने साथ बहुत सारा सामान कैरी करने की। तो मेरे पास है आज ज़ूक का एकदम प्यारा सा बैग, इस पर इतने अच्छे तरीके से काम हो रखा है ना, और ये प्योर हैंडमेड मटेरियल से बनता है, हैंड प्रिंट्स है इस पर, एकदम वो होता है ना इंडियन वाइब्स, एथनिक वाइब्स आती है, और मुझे ऐसी चीज़ें पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम अच्छे मटेरियल का बना हुआ है। इसमें अगर आप चेन देखोगे तो ये गोल्ड डिटेलिंग भी हो रखी है यहाँ पे, और इतनी आपकी चेन है, इसको आप ऐसे भी स्टाइल कर सकते हो और इसको आप ऐसे भी स्टाइल कर सकते हो। बाकी मैं एक बार आपको साइड में भी दिखा दूंगी डाल के ट्राई ऑन में कि कैसा दिखाई देता है ये बैग, और ये बैग सच्ची मेरे आउटफिट को एकदम कंप्लीट कर दिया है इसने, देखो आई मीन जस्ट लुक एट इट, ये कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। और यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, ये बैग जो है बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ इसमें
इतनी सारी जगह है, इतनी सारी, और अंदर आपको एक और चेन मिल रही है जिसमें आप सामान रख सकते हो। और क्या चाहिए यार, एक तो आपका फैशन का फैशन भी हो गया, ऊपर से इतना ज़्यादा स्पेस भी हो गया, आप इसको इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हो। मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका सामान जाएगा कहाँ इतना सारा। और हाँ, यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है, आपके पास 12% और बचाने का एक तरीका है, जो कि है, मैं अपना स्क्रीन पे अपना कूपन कोड मेंशन कर दूंगी, आप ये वाला कूपन कोड डाल के 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और बाकी सारी जो भी डिटेल्स होगी जू की आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कोड के साथ, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करना और एक बार जाके जू की वेबसाइट जरूर देखना ताकि आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे डिजाइन देखने को मिल सके। चलते हैं अगले कुर्ते के ऊपर वाला है, और इस पर मैंने मिरर क्या है, इनने मुझे पर्पल के साथ काली इनर भेजी है। ये क्या बदतमीजी है भाई, पर्पल के साथ काली इनर कौन भेजता है, इसके नीचे काली इनर थोड़ी पहनी जाएगी। ऐसे कुछ कमी नहीं है इसमें, बट काली लाइनिंग क्यों भेज दी यार, ये तो पूरा वेस्ट हो गया ना एक तरीके से मेरा कुर्ता। एक बात बताओ, बाहर से लाइनिंग मिल जाती है क्या, देखना पड़ेगा अब जाके, फालतू का खर्चा हो गया ना, वो इतने में मिल जानी थी मेरे को। चलो मैं आपको ये वाली इस वाइट के ऊपर ही पहन के दिखाती हूँ एक बारी। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा सुंदर कुर्ता देखा नहीं है, और अपने ऊपर तो इतना अच्छा लगता हुआ कभी नहीं देखा है। तो ये वाला कुर्ता कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, एक बार देखो जरा पूरे में डिजाइन है ये। यार ये पुरानी वाली लाइनिंग जो झांक रही है वो लाइनिंग ना थोड़ी सी गलत है यार, अगर तुम कुर्ते ऐसे टिप बना रहे हो तो लाइनिंग भी तो सही बनाओ ना। और मैंने व्हाइट के साथ पहनी है, ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा ना व्हाइट के साथ भी, तो ये ऐसी सी दिखाई देती है, खूबसूरत खूबसूरत सी। इसमें पीछे काम हो रखा है क्या, इसमें पीछे हो रखा है इसमें पीछे काम, और इसकी जो फिटिंग है ना उस वाले से चुन्नी से मुझे ऐसा लग रहा है खुल लिया, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट इट लुक्स सो डैम प्रिटी। मेरा साइज जो है वो है साइज एस, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले कुर्ते के ऊपर, आज तो सही भेज देते हैं, मैं भी देख ली थी पर्पल के साथ, पर्पल कैसा लग रहा है, अब मुझे बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी, बुरे यार। तो अगला है ये, क्योंकि अगर व्हाइट होना जरूरी है तो ब्लैक होना भी जरूरी है ना यार। तो पहले लाइनिंग देख लेते हैं, ये साइज 40 है, मैंने इसमें बड़ा साइज मंगवाया है क्या अपना, वो ये लाइनिंग कॉटन है, ये लेंथ जाननी है ना, तो मैंने जो पहले पहना था वही पहना था, ये मेरे घुटने के काफ़ी नीचे आ रहा है, तो ये अराउंड 40 तो होगा, क्योंकि इतना आइडिया है मुझे। आई लाइक इट अच्छा है, बट ये बड़ा नहीं लग रहा बाकियों से, मतलब ठीक है, इसके थोड़े से धागे निकल रहे हैं पीछे से, बट चलता है। और इसके पीछे भी डिजाइन है, जो भी है इसको आप जल्दी से पहन के आते, सुंदर लग रहा है यार, सुंदर लग रहा है, ये कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, इसकी पूरी बाजू में काम हो रखा है, पर ना इसमें एक कमी, इसमें हर जगह थोड़े धागे धागे निकल रहे हैं, बट वो मैनेजेबल है, कैंची वगैरह से कट सकते हैं। और इसकी जो फिटिंग है मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे इतने ही खुले चाहिए थे बाकियों में भी, ये ऐसे ऐसे पूरे से डिजाइन हो रखा है इसमें, इसकी जो अंदर की है, हाँ इसका साइज बड़ा, तो इसलिए इसके अंदर की जो लाइनिंग है वो थोड़ी यहाँ तक आ रही, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल भी वैसा वैसा सीन नहीं है कि कुर्ते के अंदर से झांकेगी, हालांकि ये भी स्मॉल साइज है, मतलब वो तो होगा कुछ है ना, अलग अलग साइज होते हैं, जैसे वही वाला सीन है, मतलब मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई कौन सा ज़्यादा अच्छा है, मतलब स्मेल की अगर मैं बात करूँ इन सब में से कुछ कुछ स्मेल आ रही है, बट शायद वो जॉर्जेट है इसलिए आ रही है, बट मतलब मैं इतने 500 रुपये के प्राइस पे एकदम वो अच्छे वाला जॉर्जेट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, बट मुझे ये कि स्मेली वाला जॉर्जेट ना हो, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मैं कहीं जाऊँ मेरे से बदबू आती रहे, तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक मैं इनको रिटर्न करूँगी, क्योंकि मुझे सब इतने पसंद है, अगर इनमें स्मेल आई भी तो मैं पॉकेट वाला परफ्यूम कैरी कर लूँगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देता है, बाकी का तो आप ट्राई ऑन में देख ही लेंगे। ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे पहनने में, क्योंकि ये खुला है और मुझे खुले कपड़े पहनने पसंद है। तो ये था मेरा ये वाला कुर्ता, अब मैं चलती हूँ अपने एकदम लास्ट के कुर्ते पे, ठीक है। तो इससे जिससे होप होती है ना, मैं सबसे ज़्यादा वही बेड़ा गर्क करता है, तो मैं नहीं बोलती मुझे इससे होप है, ठीक है, मुझे इससे कोई होप नहीं है। ये कॉटन का है भाई, ये एम साइज लिया था मैंने, इतना बड़ा क्यों भेज दिया इनने, 38 इट सेज,
ओके, पर ये बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत 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 बड़ा लग रहा है। मैंने कहा था ना होप नहीं करनी चाहिए, बट ये कॉटन ही है पूरे में ऐसे भर रखा है। इसमें ना मैंने पता ही वाला डिज़ाइन क्यों किया, क्योंकि इसमें नारकली वाला स्टाइल चल रहा है, वो नारकली पहनती होती थी ना ऐसे, तो वो वाला है। इसको भी मैं अब पहन के आती हूँ, ठीक है। सच्ची बताऊँ मैं आपको सच्ची कि ना ये थोड़ा सा खुला है, मतलब मेरे को ऐसे दिक्कत नहीं है, मैं खुले कपड़े पहन लेती हूँ, बट कुछ कुछ जो डिज़ाइन होते हैं ना, जैसे अनारकली वाला डिज़ाइन अगर पूरा फिटेड फिटेड आता तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। बट ठीक है, ये फिटेड भी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, तो आपको माइंडफुल होना पड़ेगा नीचे पहनने से पहले। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्लीव इसकी एकदम फुल है, और एक दिक्कत दिख गई अभी देखते देखते कि इसकी स्टिचिंग थोड़ी सी खुली हुई आई है, ढंग से नहीं हो रखी है इसकी स्टिचिंग, धागे निकल रहे। इस वाले हाथ की स्टिचिंग एकदम ठीक हो रखी है। और ना यार, मैं सच्ची बताऊँ आपको, मैंने कुर्ते तो ले लिए इतने, मेरे पास ना बॉटम में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे को लग रहा है मेरे को ना थोड़ा प्लाजो पैंट वगैरह लेनी ही पड़ेगी। मैं ना हर चीज़ जींस का थोड़ी अच्छी लगती है, मतलब बुरी नहीं लग रही पर अच्छी भी तो नहीं लगती ना इतनी, तो मैं सोच रहा हूँ वो भी लूँगी। बट एनी वेज, हम दोबारा अपने कुर्ते पर आते, तो मुझे पसंद ही आया, ऐसे कुछ कंप्लेने वम्प्लेने इतनी है नहीं है। बाकी कॉटन तो अच्छा वाला ही है। तो बस यार, बस 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 बहुत हो गया है चबड़ चपड़ मेरी। तो आज के हॉल के लिए बस इतना ही था। सारे के सारे आपको लिंक्स कोड्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी जल्दी लेना ना, क्योंकि मीशो पे बहुत जल्दी चीज़ें। मीशो के यार मेरे साथ ना ऐसे ही होता है, मैं जब भी सामान लेती हूँ ना, और मैं सिर्फ 2 दिन या 3 दिन बाद हॉल बना लेती हूँ, और उतने में वो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। मतलब अरे यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, बट स्टिल वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है यार, मतलब पता नहीं क्यों। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। तब तक मैं सोच रही हूँ और भी ऐसे अच्छे अच्छे हॉल्स आपके पास लेके आऊँ। मुझे आइडियाज़ देते रहना आप लोग, एंड आप सबको बहुत सारा प्यार कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और मुझे इतना प्यार देते हो। तो हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।